क्वेश्चन नंबर 29 पैलेट 29 पे आइए, दिस जून 2010 का क्वेश्चन नंबर 56 पूछा है एक्रीडिएशन प्रोसेस बाय नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल नैक डिफर फ्रॉम दैट ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन एनबीए से नैक का काम किस प्रकार से अलग है। पहला, ये डिसिप्लिन कवर करता है, यहाँ पे जो डिसिप्लिन कवर किए जाए हैं दोनों से जो किए जाते हैं बी द सेम देयर इज डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। यस गाइस, यूजीसी भी और एनबीए भी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट क्या ये लोग इनको विजिट नहीं करते हैं? यस दे आर डूइंग दिस, सिर्फ फर्क इस बात का है एफर्ट्स का, एनालाइज करने का तरीका दोनों का नैक का और एनबीए का अलग है। वन हैज इंस्टीट्यूशनल ग्रेडिंग अप्रोच जिसको बोलेंगे यूजीसी एंड अदर प्रोग्राम हैज ग्रेडिंग अप्रोच जिसको बोलेंगे, किसको मतलब इंस्टीट्यूशनल ग्रेडिंग अप्रोच कौन बना? यूजीसी। ग्रेडिंग अप्रोच बना एनबीए। लेकिन ये वाला थर्ड वाला पॉइंट वंस गेट एग्रीडिएटेड बाय या एनबीए और एनएनएक से सर्टिफिकेट मिलने के बाद इंस्टीट्यूशन इज फ्री फ्रॉम रिन्यूअल ऑफ ग्रेडिंग विच इज नॉट अ प्रोग्रेसिव डिसीजन। ये बात गलत है। नो, आपको टाइम टू टाइम इनको चेक करवाना पड़ता है आफ्टर 5 years। सो दिस एक्रीडिएशन अमाउंट द अप्रूवल ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन।